अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं आपका होस्ट बिलाल और आज का वीडियो में हम एक देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। वैसे तो हम एंड्रॉयड यूज़ करते ही हैं, आज आपको मैं ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, यानी दो सॉफ्टवेयर ऐसे बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है ना एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर चला सकते हैं। यानी आपने पहले तो एंड्रॉयड वैसे यूज़ किया मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो हम बगैर मोबाइल फ़ोन के, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड यानी लैपटॉप के ऊपर चला सकते हैं, यानी उसको लाइव यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रिमोट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो आपको दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा ये टोटली ऐसे हैं कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं तो उसके बावजूद भी आप पूरा का पूरा एंड्रॉयड अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर अपने सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं बगैर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद। अगर नहीं भी है तो फिर भी आप उसके ऊपर चला सकते हैं। तो दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आगे चल के आपको मैं वीडियो में बताता हूँ कि उसको किस तरह यूज़ करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। उनका सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोडिंग सारा प्रोसीजर बता दूंगा, डाउनलोडिंग कैसे करनी है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, एंड देन हाउ टू यूज़, कैसे इंस्टॉल, यानी इसको इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कैसे करना है। तो आपको सारा का सारा आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम स्टेप्स जो क्लियर हो जाएं। वीडियो को आगे मजीद स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर कोई इश्यू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो के अकॉर्डिंग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको जो टाइम बर वक्त मिल जाए, ताकि जो भी मैं वीडियो जैसे जैसे अपलोड करूँगा आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम इसके अपने चलते हैं सिस्टम पे और आपको मैं जाके डिटेल में समझाता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है और कैसे यूज़ करना है। तो फिर चलते हैं सिस्टम पे। सो स्टूडेंट्स, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब जो है ना आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे दो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर जो है ना कैसे एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं, ठीक है, आप फिर भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर और इस तरह की तमाम फैसिलिटी जो आपको एक एंड्रॉयड के ऊपर मिलती हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, उनसे लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहते हैं, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इतने लैपटॉप या फिर भी पीसी के ऊपर। यानी आप फिर भी इंस्टॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह, मैसेंजर इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी जितनी भी एप्लीकेशन आप वैसे नॉर्मल एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ करते हैं तो वही तमाम एप्लीकेशन आप जो है ना अपनी सिस्टम यानी पीसी या लैपटॉप के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो दोनों। उसके लिए हम जाते हैं गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे जाके सर्च करते हैं। हम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आ जाता है पहला, उसका नाम है कोप्लेयर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोप्लेयर, हमारे पास ये फीचर ही साइट आ जाती है, इसका ऊपर से लिंक आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा लिंक। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर का लिंक मिल रहा है जिसका नाम है कोप्लेयर। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इसका साइज आ रहा है, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, ये फ्री सोर्स है, यहाँ पे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये 368 MB का जो हमें फाइल मिल रहा है, जिसमें देखिए मैं इतना MB यूज़ करने होंगे, यानी डाउनलोडिंग पे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। और सिंपली डाउनलोडिंग से मेथड है बिल्कुल, आपने यहाँ पे क्लिक करना, देखिए यहाँ पे मैंने IDM इंस्टॉल किया तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बटन आ रहा है स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। बट मैं अभी डाउनलोड नहीं करने जा रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है और मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, फिर से डाउनलोडिंग यहाँ पे मेरी हुई है कंप्लीटेड, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर, उसका नाम है हमारे पास यहाँ पे BlueStacks, ठीक है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से लिखिए BlueStacks, ये हमारे पास आ रहा है BlueStacks, लिखेंगे गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल साइट आ जाती है BlueStacks की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे कंपनी है BlueStacks के नाम से, इसका जो आइकन है, लोगो है, इसका तरह का बना हुआ, तो यहाँ पे ये इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, इनकी पहली ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आ रहा है बटन डाउनलोड BlueStack, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम एज़ जैसे हमने देखा पहले, देखें यहाँ ऑप्शन आ गया। अब ये जो छोटी सी यूटिलिटी है यानी जिसका जो फाइनल डाउनलोड होगी, डाउनलोडिंग होगी इसके बाद होगी, यानी अभी इसका छोटा सा सेटअप डाउनलोड होगा, पहले जैसे हम गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं तो पहले इसको छोटा सा
यानी सेटअप डाउनलोड होता है जस्ट, बाकी जो उसकी ओरिजिनल फाइल होती है जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम वो बाकी की डाउनलोडिंग करता है। तो इसी तरह इसका भी होगा सेम प्रोसीजर, ये पहले सेटअप छोटा सा डाउनलोड करेगा, फिर उसके बाद जिसकी जो फाइनल बाकी जो फाइल्स होंगी सारी की सारी उसके बाद डाउनलोड होंगी। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो वो सारी की सारी फाइल अपनी डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो दोनों मेरे पास पड़े हैं, तभी इनकी तरफ मैं डाउनलोडिंग की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेटअप पड़ा हुआ है, सिंपली मैं जाता हूँ और उसको जाके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेटअप पड़े होंगे, मैं जाके आपको दिखा दूँ। हमारे पास आता है यहाँ पे एक को प्लेयर जो हमने पहले किया, और उसके बाद एक यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ब्लू स्टैक्स। को प्लेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, आपने डबल क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉलेशन करनी है। अभी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ इसको कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। इसको आप सेट करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद कहेगा कि ये आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना, तो ऑलरेडी मैंने इसी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, अभी मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, दैट्स ऑल। इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल सी है, आप इसको इंस्टॉलेशन कर लीजिए। कि सर हमारे पास ये ब्लू स्टैक्स, इसको भी आप डाउनलोड कर किसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसको इंटरफेस देखेंगे कि किस तरह यूज़ करना है इसको। जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ को प्लेयर को, आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यस कर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हैवी है, टाइम लेगा ओपन होते हुए, आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर हैवी थोड़ा सा नॉर्मल भी है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंट करना होगा, यानी थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अभी यहाँ पे ये 100 तक चलेगा, उसके बाद हमारा ये ऐप जो है ना एंड्रॉयड ओपन कर देगा, उसके बाद हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, यानी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तमाम वही फैसिलिटी फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और इस तरह हमारे पास जितनी भी सर्विसेज आ जाती हैं, फेसबुक हो गया, तो इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और ट्विटर हो गया, इस तरह के तमाम जो सॉफ्टवेयर सॉरी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं अपने एक नॉर्मल एंड्रॉयड के ऊपर, और तमाम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप इसके ऊपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ओपन होता है ना, आपको फाइनली चेक भी करवा देता हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह आपको यहाँ पे जीमेल आईडी देना होगा, यानी जीमेल आईडी देके पहले तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन हो, जैसे आप नए मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक जीमेल आईडी ज़रूरत पड़ती है गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे प्रोसीजर है कि आपको पहले देना होगा यहाँ पे जीमेल आईडी, उसके बाद आप इसके अंदर प्ले स्टोर में एंटर हो जाएंगे, उसके बाद आप फिर कुछ भी डाउनलोड करना चाहें तो इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये लॉन्चिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह फिर आपको मैं ब्लू स्टैक्स है इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। दोनों का थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, बट जो ना यूज़ दोनों का ही सेम है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और ये मोस्टली बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं जो कि गेमिंग के लवर्स हैं, यानी गेम खेलना चाहते हैं, जो मोबाइल फ़ोन पर खेलते हैं, वो लैपटॉप पर या पी सी भी खेलना चाहते हैं, तो आप वो ज़्यादातर इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो जैसे एंड्रॉइड का मज़ा लेते हैं, वो आप जो है ना लैपटॉप या पीसी भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पे पबजी वगैरह के गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं पीसी के ऊपर बैठ के, तो इस तरह खेली जाती हैं। जी, यहाँ पे आप गेम्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपने माइंड में रखना है कि आपका सिस्टम अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। तो देख लें, फाइनली हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे ब्लू स्टैक को प्लेयर सॉरी। और यहाँ पे देखिए आपको तमाम भी सर्विसेज मिल रही है, यहाँ पे देखें ब्राउजर आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, टर्बो प्रो वीपीएन आ रहा है, उसके बाद मिनी यूसी मिनी आ रहा है यहाँ पे। फिर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इसमें कुछ किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमारे पास सारा होम और ये तमाम चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हमारे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, हमने इसको वाइड करना है, फुल स्क्रीन पे लेके जाना है, उसके बाद यहाँ पे बैक एरो आ रहा है, आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे जब कुछ रीसेंट एप्लीकेशन उसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वो मोबाइल वाले बटन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखें वाईफाई आइकन मिला है क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है इस टाइम ऑलरेडी, यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद चार्जिंग नहीं, हमारा लैपटॉप ऑन, इट्स मीन कि ये ऑन चार्जिंग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे देखिए मैं प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा जैसे, तो यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं तमाम वही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इसके अंदर देखने को मिलेंगी जो कि हम वैसे नॉर्मल एंड्रॉइड के अंदर देखते हैं। तो देखें यहाँ पे फॉर यू, टॉप चैट्स, और उसके बाद टॉप चार्ट्स और तमाम चीज़ें वही आ रही है। यहाँ पे हमको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे हम सर्च करते हैं फेसबुक और एनीथिंग। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हो, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेसबुक आ गए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फेसबुक डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये 44 MB का है, 36 MB का इंस्टाग्राम है, गूगल क्रोम है जहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह यूसी ब्राउजर डाउनलोड करना चाहते हैं 2020, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ फेसबुक के ऊपर क्लिक, अभी ये थोड़ा ओपन हो जाएगा, टाइम लगाएगा क्योंकि बताया कि बड़ी स्क्रीन है मेरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम रहता है। ठीक है, तो खैर आप इसको ट्राई करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर, ये बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल पे के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली इंस्टॉलेशन करते हैं,
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल से चलेगा 0 से 100 तक परसेंटेज में, यहाँ पे उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे इसको सिंपली हमने डाउनलोड इंस्टॉलेशन करें, देखें स्टार्ट हो चुकी है डाउनलोडिंग। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज करूँ यहाँ से ताकि ये पेंडिंग पीछे बढ़ा रहे, खुद ही डाउनलोडिंग होती है इसकी कंप्लीट। और हम बैक चलते हैं वापस चलते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, पोर्ट्रेट करना है, देखिए पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया अभी ये, देखिए पोर्ट्रेट कर दिया मैंने, अभी प्रॉपरली पोर्ट्रेट ही रह गया, यानी एज अ फोन वर्क करेगा। ठीक है, तो लैंडस्केप थोड़ा सा डिस्प्ले भी इशू करता है कि लैंडस्केप हमारा जो स्क्रीन होती है वो छोटी बड़ी होती रहती है, वो मसला कर जाता है। अब इसको प्रॉपरली मैंने कर दिया पोर्ट्रेट, अब ये मेरे को इशू नहीं आएगा। जैसे हम वैसे सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, जैसे कि ब्राउजर ओपन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए मैं जैसे मोबाइल फोन की तरह यहाँ पे देखिए, अगर कोशिश करेंगे इसकी जो स्क्रीन है वो आप मैक्सिमम रखें, मैक्सिमम रेशो रखेंगे, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी अक्सर लैपटॉप बड़ी स्क्रीन होती हैं उनपे थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अच्छा सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा लो क्वालिटी सिस्टम है तो आप इसको ऐसे करें कि इसको छोटा रखें और दूसरे इसको पोर्ट्रेट रखें, लैंडस्केप रखने पर थोड़ा सा वाइड हो जाता है ज़्यादा एरिया, वो थोड़ा सा मसला कर जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके लिए मैं इसको पोर्ट्रेट ही रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं www.google.com, यहाँ पे मैं गूगल लिख के इंटर करता हूँ, गूगल को ओपन करता है या नहीं चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखें मैंने google.com सर्च किया, देखें यहाँ मैं गूगल ओपन कर रहा है, यानी कि एक जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम, इस तरह यहाँ पे देखें गूगल आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गूगल दिस वन, यहाँ पे प्रॉपरली पूरा गूगल दिखाएगा, तो ये ओपन प्रोसेसिंग चल रही है इसकी लाइन से ही, देखें यहाँ पे बफरिंग हो रहा है। अब उसके बाद देखें देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो फी गूगल है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अपने यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना। अभी हमारा फेसबुक भी डाउनलोड हो रहा है, तो जैसे ये भी कम्प्लीट होता है आपको वो भी चेकआउट करवा दूँ। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अभी मैंने इसमें लॉग इन किया तो आपको शो नहीं करवा सकता, तो खैर व्हाट्सएप इसी तरह काम करता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं कुछ आइकन्स आ रहे हैं, यानी म्यूज़िक है, अगर आपके अंदर कुछ प्ले करते हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे म्यूज़िक है, यानी आप उसको म्यूट करना चाहते हैं या हाई लो करना चाहते हो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वाइड करना है, फुल स्क्रीन पे करना है तो F11 इसका शॉर्टकट है, आप इसको कर सकते हैं। रेस्टोर करना है तो यानी वापस नॉर्मल साइज में कन्वर्ट करना है तो F11 से बड़ा हो जाएगा, F11 से ही छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैमरा, अगर आपके पास कैमरा है आपकी डिस्प्ले यानी लैपटॉप के अंदर कैमरा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर कैमरा नहीं है तो उसको मैं ऑन इनेबल नहीं कर सकता। उसके बाद बाकी तमाम वही यहाँ पे हमारे पास सारे कीबोर्ड हैं, हम कीबोर्ड की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास सारी की सारी सेटिंग्स आ रही हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सेटअप करना चाहते हैं कीबोर्ड का तो आप कर सकते हैं, अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट है, मैसेज रखूँगा उसको कर देते हैं ओके। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो भी डाउनलोड हो रहा, यहाँ पे देखें आप क्लिक करेंगे जैसे हम मोबाइल फ़ोन को नीचे ओपन करते हैं वही सेम प्रोसीजर हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें हमारे पास वाईफाई ब्राइटनेस सेटिंग लोकेशन तमाम ऑप्शंस यहीं पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम वापस जाते हैं अपने प्ले स्टोर के अंदर चेकआउट कर लेते हैं, हमने जो फेसबुक डाउनलोडिंग लगाया था आई थिंक वो फेल हो गया किसी वजह से, ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये सभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है या डाउनलोडिंग में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, शायद मेरा इंटरनेट स्लो है इस वजह से। देखें अभी स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे देखें 0.4 फिक्स अभी चल रहा है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, बाद में दूसरा ऑन करके। हमने जो दूसरा सॉफ्टवेयर देखा है वो हमारे पास ब्लू स्टैक, तो डबल क्लिक करते हैं उसको भी ऑन कर लेते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने को प्लेयर को इंस्टॉल किए। जैसे आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखेगा, जैसे कभी हमें पहले को प्लेयर का देखा इसी तरह यहाँ पे इसका भी इंटरफेस है। सो फाइनली गाइस ये भी ओपन हो चुके, तो यहाँ पे देखें आपको वही प्ले स्टोर मिल रहा है, जो कुछ उसमें मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, व्हाट्सएप यूसी मिनी ट्रूबू ब्राउजर किया हुआ है यहाँ पे, इस तरह मैसेंजर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट मी ऐप्स हैं और हमने कुछ डाउनलोडिंग वाले पहले की हुई थी। सेम इसके अंदर आपने करना क्या होगा, सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे उसके बाद जैसे ओपन होगी तो आपको करना क्या होगा कि आपने पहले तो जाना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर और जाके आपने यहाँ पे इसके अंदर अपना जीमेल आईडी इंसर्ट करना है, और उसके बाद जाके आप जो है ना इसके अंदर कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको इसके अंदर डाउनलोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर भी आ रहा है पोर्ट्रेट, ये देखें अभी शेक हो रहा है, इसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सीजर आ रहा है, टेक स्क्रीन शॉट अपने लेना है, आप स्क्रीन शॉट वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, सिलेक्ट लोकेशन, उसको वाइड करना है फुल स्क्रीन पे, वो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर उसके अंदर कुछ
आप हाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपका अगर आप को कीबोर्ड की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास होम, गूगल प्ले स्टोर यानी इसके अंदर टैब्स तरह की ओपन हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ पहले से एप्लीकेशन की हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लाइट सी एप्लीकेशन करता हूँ ताकि आपको मैं इंस्टॉलेशन करके चेक करवा सकूँ। जैसे कि ये फेसबुक लाइट है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ जल्दी से और आपको इंस्टॉलेशन करवा के ओपन करके चेक करवाऊँगा कि वाकई इसमें तमाम फीचर्स काम करते हैं। तो लाइट्स एप्लीकेशन है, जल्दी से डाउनलोड हो जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको यानी हम कैसे ओपन करेंगे, और जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन के अंदर वैसे सिंपली यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। सो इतने में जब तक वो डाउनलोड होती है तब तक हम इसमें दूसरे वाले को देख रहे थे। कोप्लेट के हमने जो फेसबुक डाउनलोड किया था, मैंने फुल वर्जन किया था, उसमें हमने लाइट किया हुआ है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ उसके बाद उसमें जाके देखते हैं कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। हमने देखिए दोनों एप्लीकेशन को चेकआउट कर लिया कि हम दोनों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और दोनों लेकिन सेम पर्पज़ है, सिर्फ कंपनीज और जो एप्लीकेशन डिफरेंट है बट पर्पज़ सेम है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप जेन्यू एंड्रॉइड यूज़ करने के लिए। अगर आप आपके पास नहीं है, आप एंड्रॉइड का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पीसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम एप्लीकेशन जो आप एक एंड्रॉइड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, आप इसके अंदर कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में कैमरा होगा तो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवेश आप यहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बाकी तमाम फीचर्स यानी एक सिम कॉल वगैरह यानी कॉल्स वगैरह नहीं कर सकते, और इसके अलावा बाकी तमाम फीचर्स आप इंजॉय कर सकते हैं, कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। अगेन अगर आपके पास कैमरा है तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, दरवेश आप इसके अंदर वीडियो कॉल नहीं कर सकते। अगर आपके लैपटॉप में या पीसी के ऊपर वेबकैम लगा हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वीडियो कॉल यानी व्हाट्सएप और यूज़ करें या मैसेंजर। हाँ, आप अलबत्ता इसके अंदर आप ऑडियो कॉल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तमाम फीचर्स आपको बाकी मिल जाएंगी, बस कुछ आपको लिमिटेशन बताएं, जैसे कि सिम वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे बात आप पीसी में यूज़ करें तो सिम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका एक ऑप्शन नहीं है। और बाकी मैसेजेस का जैसे हम लोकल मैसेज करते हैं सिम पे तो वो आप नहीं कर सकते। बाकी तमाम आपको जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर आपने यूज़ करनी होती है तमाम यानी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है टेस्टिंग के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे वही लॉग इन बटन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, लॉग इन करेंगे, उसके बाद पासवर्ड मांगेगी आपसे और आप सिंपली लॉग इन कर जाएंगे। तो लेकिन सिंपल से ही हम यूज़ करते हैं, हमारे पास सिंपल आइकन आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारे पास फेसबुक लाइट भी इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पे होम, उसके बाद हमारे पास प्ले स्टोर आ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास फेसबुक लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एज इट इज़। सो फाइनली यहाँ पे भी ओपन हो गया, बताया कि आपको डिपेंड करता है अपने सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि जितना जल्दी फास्ट आपका सिस्टम होगा उतना जल्दी एप्लीकेशन जल्दी जल्दी ओपन होगी, जैसे कि आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि जितना आपके मोबाइल फ़ोन का रैम या प्रोसेसर अच्छा होता है जल्दी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, एप्लीकेशन ओपन होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे अपने आप सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पे तो देखें यहाँ पे फाइनली ओपन हो चुका, उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह अपना मोबाइल फ़ोन नंबर या फिर अपना जीमेल आईडी देके पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फेसबुक लाइट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फेसबुक का फुल वर्जन था, हमने दोनों ओपन करके यहाँ पे चेकआउट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम वही काम कर सकते हैं। अगेन आपको बता चुका हूँ कि तमाम सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा टिप एंड ट्रिक पसंद आया होगा कि आप कैसे जो है ना अपनी पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर एंड्रॉइड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर पसंद ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। अदरवाइज हमारा यहाँ पे फेसबुक पेज होगा, आप उसके ऊपर जाके विजिट करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई इशू हो तो वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर बिलाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।